YouTube चैनल हाउ टू टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट ऐप्स को कैसे सेट किया जाता है। जब हम विंडोज़ 10 अपने कंप्यूटर में लोड करते हैं तो कुछ ऐप्स जो विंडोज़ स्टोर में अवेलेबल हैं वो डिफ़ॉल्ट ऐप्स हो जाते हैं। जैसे कोई म्यूज़िक प्ले करना है तो ग्रूम म्यूज़िक इनका डिफ़ॉल्ट ऐप है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस काफ़ी स्लो रहता है। ऐसे ही जब हम फ़ोटो ओपन करते हैं तो विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर की बजाय हमारे पास इनका जो फ़ोटोज़ ऐप है उसमें फ़ोटोज़ ओपन होते हैं। इंटरनेट चलाते हैं तो इनका जो ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट एज वो ओपन होता है, जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी स्लो रहता है, इसलिए हमें इनको चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेटिंग्स। तो यहाँ से सेटिंग्स आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से हमें जाना है ऐप्स में, तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा दोस्तों डिफ़ॉल्ट ऐप्स का, तो इसको चूज़ कर लेना है। देखिए जो मेन एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर शो होने हो गई हैं। जैसे हमारा यहाँ पर प्लेयर है, जब हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट प्लेयर ये होता है मूवीज़ एंड टीवी। जब भी हम इस प्लेयर में कोई सॉन्ग वीडियो प्ले करते हैं तो ये 2 से 5 सेकंड ओनली प्ले होने में ले लेता है, जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी बैड लगता है। ऐसे ही सेम फ़ोटो ऐप है, हम इनको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी ऐप पहले आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, उसके बाद वो थर्ड पार्टी ऐप आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इन केस आपको यहाँ पर शो नहीं होता है तो आप उसका एक अनदर मेथड है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। ऐसे ही हम यहाँ पर ग्रूम म्यूज़िक की जगह VLC ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विंडोज़ 10 के साथ जो ऐप आए थे, स्टार्टिंग में आए थे, उनको रीसेट करना है तो आप यहां से रीसेट भी चूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे हमारे पास PDF व्यूअर है, वो जो भी हम PDF फाइल को ओपन करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन होता है। इसके लिए हमें यहां पर डिफ़ॉल्ट ऐप्स बाय फाइल टाइप में जाना है। जो PDF फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन .PDF से चूज़ होती है। जैसे ही हमें ये लिस्ट देगा फाइल टाइप की, हम उसमें से PDF ढूंढेंगे और वहाँ पे अपना जो डिफ़ॉल्ट PDF व्यूअर है वो सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर ये नेम है एक्सटेंशंस का, ये स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आ जाइए पी पर। तो यहाँ मैं ऊपर चल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए आप, देखिए यहाँ पर PDF है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला होता है माइक्रोसॉफ्ट एज जब हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्लो है और प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसकी जगह पे मैं नाइट्रो प्रो चूज़ कर सकता हूँ। तो अब जो नाइट्रो प्रो है वो डिफ़ॉल्ट ऐप हो चुका है। ऐसे ही PEF फाइल को व्यू करने के लिए फ़ोटोज़ है, मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप ले सकता हूँ, फ़ोटोज़ ले सकता हूँ। ऐसे जो भी आपके कंप्यूटर में थर्ड पार्टी ऐप्स हैं आप यहां से डिफ़ॉल्ट ऐप्स के माध्यम से चूज़ कर सकते हैं। यहां सभी जो भी एक्सटेंशन हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो यहां पर सभी दी हुई हैं, और हम यहां से पर एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग उस ऐप को डिफ़ॉल्ट ऐप चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम ब्राउज़र के केस में कर सकते हैं, म्यूज़िक प्लेयर के केस में कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आप अपने कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट ऐप को सेट कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।